नहीं मतलब ये क्या हुआ, ये चीज कहना कैबिनेट अंकल खोलो। अभी ये इसके ऊपर हैंडल लगने हैं। ये जी अंकल डॉर है इस साइड पे, इधर तीन डॉर है। अच्छा ये ड्रॉर है, ये आपकी कैबिनेट है, ये आपकी कैबिनेट है, इसका भी ले लेना। वो कह रहे थे ना पल्ले नहीं लगे, मैंने लगवाई दिए पल्ले, मैंने लगा दिया। उधर से कंप्लेंट आ गई है। ये वाले अलमारी के अंदर ये नहीं नहीं बाहर वाले, बाहर वाले, बाहर वाले ये। हाँ जी कहाँ पर पहुंचेगा ये पल्ले है ना दरवाजा, नहीं इसके ऊपर तो वो आएगा ना। अभी फाइनल लुक थोड़ी है, जब पल्ले लगे उसके ऊपर वो लगेगी। क्या कहते हैं सुनवाई लगेगी, सुनवाई लगेगी क्या लगेगी उस पर, क्या चीज नहीं पॉलिश, पॉलिश। अच्छा इधर आपका डिजाइन लीजिए अंकल, डिजाइन अंकल इधर लगाऊं आपका टावल रैक, क्योंकि ये पूरा ग्लास पार्टीशन है और इधर वो ना आएंगे। इधर आपका शावर है तो वही लगेगा फिर, यहाँ लगा दूं क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, पत्थर के अंदर ढिल हो जाएगी। नहीं तो आप कहाँ लगाना चाहते हैं? मैं यही लगाना चाहता हूँ, अगर यहाँ लगे तो ये इसके ऊपर वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सनी कहता है कि नहीं जी मैं तो ये कैबिनेट में रख लूंगा, फॉर एग्जाम्पल टावल या इधर रख लूंगा, मुझे रैक नहीं चाहिए, मैं इसलिए आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। चलो इसे कंसीडर कर लेते हैं। हाँ ये आप बात तो करोगे ना, तो बात कर लेना कि भाई इधर हम क्योंकि ये पत्थर है, पत्थर के अंदर जो ड्रिल मुश्किल है और एक बार करवा दी तो फिर निशान रहेगा हमेशा के लिए। मैं बहुत बात समझ गया वो ना, तो अगर वो कहता है हाँ जी इधर मुझे कन्वीनियंट है क्योंकि बंदे ने इधर नहाया अपना शावर लिया, शावर लेके पीछे से उसको टावल मिल गया, अगर प्रॉपर रहेगा। हाँ अगर कहते हैं ठीक है तो मैं यहाँ करवा दूंगा और वो अंदर रखे तो अंदर आई थिंक इट शुड बी हैंग ओवर देयर, मुझे भी लगता है यहाँ होना चाहिए, हैंगिंग ओवर होना चाहिए। इट इज अ पर्सनल चॉइस, यू मेक इट आउट, मैं कहता हूँ कर दीजिएगा ठीक है, इट इज माई डिसीजन ठीक है, यू मेक इट आउट हो जाएगा। यहाँ पे टॉवल हैंगिंग कर दीजिएगा, इसका बना दीजिए, इट इज कॉल्ड टॉवल हैंगर स्टैंड, टॉवल स्टैंड, टॉवल स्टैंड ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां से आदमी है गीला है, उधर सूट के इधर गीला बाहर आएगा तो ये एरिया भी आपका गीला हो गया, इट्स नॉट अ गुड वन, दैट्स गुड बोल। चलो चलो